हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस म्यूजिक इंडिया। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि था आपका संगीत म्यूजिक सब्जेक्ट, हमारा जो 16 कोड है उसका मैंने यूनिट वन, जो होल यूनिट कॉमन है उसमें से मैंने यूनिट वन डिस्कस किया था, जिसमें पारिभाषिक शब्दावली थी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर ये डिस्कस किया था। ओके, और इसके बाद मैंने कहा था कि इसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें यूनिट सेकंड, थर्ड एंड यूनिट फोर ये मैं डिस्कस करूँगा। ये यहाँ तक तो सभी के लिए कॉमन है, जो इसमें जैसे कि दिया दे रखा है इन्होंने, ये सबके लिए कॉमन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इकाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाई, ये 1 2 3 4 संगीत की सभी विधाओं के लिए, और ठीक है, और इकाई 5 से लेके इकाई में मतलब यूनिट 5 से लेके 10 तक संगीत की विशिष्ट विधाओं के लिए, जैसे कि उसमें अपना गायन है और कर्नाटक संगीत है, रविंद्र संगीत है और अवनतवाद है, सभी में सबके 5-5, 6-6 यूनिट होंगे। 5 से 10 यूनिट तक 6 यूनिट बनते हैं आपके, तो सबके वोकल म्यूजिक में 5 यूनिट 6 यूनिट अलग हैं और रविंद्र संगीत के 6 यूनिट अलग होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें डिस्कस करना है वोकल, एंड वोकल के अलावा जो हमारे यहाँ चलता है वो है आपका अवनतवाद है, तबला। तो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ में ये 2, 3 और 4। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और क्योंकि आपको घर बैठे इन्फॉर्मेशन मिले और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पूरा तो पूरा कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं इसमें कवर करूँगा। और आप लोग मुझे बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करने में, एंड फर्स्ट पेपर में तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारा मैटर आपको यूँ ही मिल जाएगा यूट्यूब पर, फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट पेपर में कौन सी चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है। और फर्स्ट पेपर का भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, सिलेबस यूजीसी नेट, एनटीए यूजीसी नेट सिलेबस पेपर वन के नाम से है, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका जो बेल आइकन आएगा उसके साइड में, राइट हैंड साइड में आपके, तो उसको प्रेस करें, एक बार उसको प्रेस करना है। और कमेंट आप ज़रूर करें, आप बताएं आपको क्या अच्छा लगा, क्या इसमें कमी है, क्या और अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ आप मुझे बताएं। और चैनल को वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, जिससे कि हमें थोड़ा सा आपका मोटिवेशन मिले और हमारा और भी आगे मन करे आगे इस तरीके से वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आपसे बस यही कहना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले तो चैनल वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी पीडीएफ से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको उस पर मिल सके, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज़रा सा। आप टेलीग्राम पर जाएं और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आरएस म्यूजिक इंडिया टाइप करेंगे तो ये आपको चैनल मिलेगा आपको, और इसी तरीके से आपको ग्रुप भी मिलेगा, बट आपको चैनल यहाँ पर जो माइक के जैसा आइकन बना होगा, ठीक है, तो आपको इसको ज्वाइन करना है। आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में आपको दिखा दूँगा, ये देखो मैंने ये डाला था यूनिट वन,
ठीक है, म्यूजिक सिलेबस का डाला है और पेपर बंक के सिलेबस का भी मैंने डाल रखा है यहाँ पे, तो आप इसको ज्वाइन करें और रेगुलर बने रहें हमारे साथ में। ओके आइए, सॉरी यूनिट 2 इकाई 2 लोक संगीत। तो लोक संगीत का अर्थ ये होता है, लोक का अर्थ होता है एरिया, कोई भी क्षेत्रीय कोई भी एरिया होता है। जैसे हमारा जो देश है, हमारा भारतवर्ष देश है, तो वो बहुत सारे स्टेट में डिवाइड है और स्टेट जो हैं राज्य हैं वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे ब्लॉक तहसील इस टाइप से डिवाइड है। तो इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र जो डिवाइड होता है, उन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एरियाज की जो अपनी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे कि यूपी का कुछ पहचान अलग है, पंजाब की पहचान कुछ अलग है। पंजाब में जैसे म्यूजिक में बात करें तो भांगड़ा डांस होता है, पंजाबी गीत अलग अलग लैंग्वेज में होते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में मांड होता है, और कहीं पे आप पहाड़ी इलाका में जैसे पहाड़ी गीत, जैसे आपने राग पहाड़ी का नाम सुन रखा होगा, तो उसी प्रकार से अलग अलग एरिया जो होते हैं क्षेत्रीय। तो लोक का अर्थ होता है क्षेत्र, जो क्षेत्रीय जो म्यूजिक होता है, क्षेत्र की जो धुनें होती हैं वो लोक संगीत कहलाती हैं। उनसे सबसे पहले विकास लोक संगीत से ही हुआ है। इसमें आपको देख रहे हैं नंबर 1 पर दिया है, ये यहाँ पर दिया है भारतीय लोकगीतों की उत्पत्ति एवं वर्गीकरण। तो लोकगीत का मतलब अर्थ है कि जो एरिया के अलग अलग एरिया में जो गीत गाए जाते हैं। जैसे हम बात करें पूर्वांचल क्षेत्र की, जैसे बनारस साइड की बात करें, तो यहाँ पे कजरी चैती इस प्रकार से गीत गाए जाते हैं। और यूपी पूरे उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में झूला गीत गाए जाते हैं, या बुंदेलखंड क्षेत्र में दिवारी नृत्य होता है दिवारी के, और होली के टाइम पे फाग होती है जिसको होली गीत बोलते हैं। होली 2 प्रकार की होती है, एक कच्ची होली और एक पक्की होली। पक्की होली हमारी धमार गायन शैली कहलाती है, जो शास्त्रीय संगीत में निबद्ध होती है। एंड जो कच्ची होली होती है, जिसको क्षेत्रीय लोग नॉर्मली गाते हैं, वो हमारी कच्ची होली होती है। तो इसी प्रकार से लोकगीत जो अलग अलग एरिया के जो गीत हैं, आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम होगा कि आपके यहाँ कौन से गीत चलते हैं, और उन गीतों को ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा देखें कि आपके यहाँ की लैंग्वेज भी उसमें आती होगी। जैसे आप भोजपुरी की बात करेंगे तो भोजपुरी में भोजपुरी के जो शब्द आते हैं, ला 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 शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता है। हमारे बुंदेलखंड में ए है, आए है, औ है इत्यादि वर्ड प्रयोग होते हैं। लखनऊ क्षेत्र की जो भाषा होती है, सा का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे एरिया के जो गीत होते हैं उनमें उसकी भाषा भाषा जो होती है, भाषा झलकती है, और उसमें वहाँ की जो धुन होती है स्पेशली वो दिखाई देती है। जैसे राजस्थान में मांड हो गया और राजस्थानी भाषा उसमें मिक्स होती है। तो ये इस प्रकार से लोकगीतों का उत्पत्ति एवं विकास के बारे में इसमें आपको स्टडी करनी है। इसके बाद आता है लोक संगीत की विशेषता है। तो लोक संगीत की विशेषता, जैसा कि हमने बता ही दिया पहले, विशेषताएं यही होती हैं कि सबकी अपनी अपनी एक पहचान होती है। जैसे राजस्थान में, जैसे वो उसी से जुड़ा हुआ है पहले वाले टॉपिक से, राजस्थान का जैसे मांड हो गया, वहाँ की धुन अलग है। गुजरात में गरबा नृत्य होता है तो वहाँ के गीत अलग होते हैं, पूर्वांचल में अलग संगीत चलता है। तो इस प्रकार से लोक संगीत की ये विशेषताएं हैं। फिर बहुत सारे नृत्य होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में झिंझिया नृत्य होता है, जिसको लड़कियां एक घड़ा लेकर के घड़े में सुराख करके उसमें दीपक रखती हैं, और एक जो महीना दीपावली पहले एक मंथ होता है उसमें वो अपना कुछ खेलती हैं, मतलब उसको खेलती हैं उससे, और उसको झिंझिया नृत्य बोलते हैं। उस मटकी को अपने सर पर रख के डांस करती हैं। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डांस होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है लोक संगीत एवं लोक वाद्यों का विस्तृत अध्ययन तथा विभिन्न प्रांतों के लोक कलाकार। जी हाँ, लोक कलाकार जैसे तीजन तंबूरा, तीजन बाई, जैसे अभी इनको एक पद्म पुरस्कार मिला हुआ है अभी 2019 में, तो तीजन बाई है। और इसी प्रकार से और भी लोक
लोक संगीत के गायक हैं और इनमें जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे लोक वाद्य की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश में जैसे ज़्यादातर आपकी बांसुरी जिसको फ्लूट फ्लूट जो हम बोलते हैं, जैसे वो हमारा लोक वाद्य है। सारंगी भी लोक वाद्य में ही आती है लगभग, तो और ढोलक जो होती है वो लोक वाद्य में आती है। एंड संतूर आपने देखा होगा, पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक वादक हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और जो संतूर वाद्य यंत्र है वो कश्मीर का लोक वाद्य है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोक वाद्य आपको देखने को मिलेंगे, चिमटा है, इसी प्रकार से अन्य प्रकार के लोक वाद्य भी होते हैं। आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ये खास करके अध्ययन ज़्यादातर करना है अवनतवाद के लोगों को, या और भी, क्योंकि ये तो कॉमन है तो सबको ही करना है। लोक संगीत में प्रयुक्त राग एवं ताल, हाँ, लोक संगीत में प्रयुक्त राग एवं ताल के लिए हम आपको बताते हैं। कुछ राग हम आपको बताते हैं, जैसे कि काफ़ी भी झलक आती है, यमन की आती है, और पीलू पीलू की आपको झलक आती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा दे दें हम, आपने विवाह मूवी देखी होगी तो उसमें जो म्यूजिक म्यूजिक चलता है वो पीलू राग में है, और वो म्यूजिक है ये राग पीलू का, पीलू की धुन है, क्योंकि इस फिल्म में रविंद्र जैन जी जो थे हमारे बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ हुए हैं, उसमें फिल्म इंडस्ट्रीज में रविंद्र जैन जी ने संगीत दिया है इस फिल्म का, और वो अलीगढ़ से बिलोंग करते थे। और ये जो धुन है वो एक झूला गीत है जिसको गाते हैं गांव में रक्षाबंधन के टाइम पे, लेडीज लोग जो गाती हैं झूला गीत है, तो झूला गीत गाती हैं। जैसे वो हम थोड़ा सा लिरिक्स आपको सुनाते हैं, झूला तो पड़ गयो अम्बा की डाले पे ला 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 ला, तो ये लोक धुन है। और इसी प्रकार से आपने, जैसे अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, मांड होता है पहाड़ी राग का, आपने नाम सुना होगा, तो पहाड़ी क्षेत्र में वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहाड़ी, वो राग जो है पहाड़ी क्षेत्र का हो सकता है। और अपने जौनपुरी राग का नाम के बारे में आपने सुना होगा कि उसको जौनपुर क्षेत्र में जो सैन सर्किस थे ऐसा माना जाता है, तो उन्होंने उस राग के लिए उसको बनाया था, वहाँ की धुन उसमें मिलती है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे राग हैं जो इसमें लोक संगीत में जो लिप्त हैं और क्लासिकल में भी हैं। बहुत सारे गीत आपको मिलेंगे जो यमन के स्वरों में मिलेंगे, और आपको खमाज में मिलेंगे, और आपको आपको काफी में मिलेंगे। आप जब लोक संगीत, जब आप लोकगीतों को गाएंगे और सुनेंगे, और उसके बाद जब राग आपको तैयार होंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, रागों में और लोक संगीत में कितना संबंध है। और इसके बाद आता है ताल, तो तालों का जो प्रयोग होता है वो अधिकतर तो आप यूं ही देखने को मिल जाएगा आपको, दादरा 6 मात्रा की ताल होती है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की, और कहरवा जो कि 8 मात्रा की होती है, और दीपचंदी 14 मात्रा की ताल होती है। ये तीन ताल है तो प्रमुख रूप से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अन्य तालों का भी प्रयोग हो सकता है, होता भी होगा। और ये जो एकदम से पहचान है वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आता है भारत में लोक मेला एवं लोक उत्सव। तो ये लोक मेला, जैसे इलाहाबाद में हमने देखा, इलाहाबाद में खादी ग्रामोद्योग के नाम से खादी मेला, खादी महोत्सव के नाम से इलाहाबाद में लगता है, ऐसे ही अन्य शहरों में भी ये मेला का आयोजन होता है, खादी के नाम से या शिल्प कला के नाम से होता है। आप देख सकते हैं और आपने देखा भी होगा। और जैसे बहुत सारे महोत्सव होते हैं, तो महोत्सव जो होते हैं उनमें भी लोक क्षेत्र टाइप की लोक विधाओं से संबंधित, लोक कलाओं से संबंधित वो चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे वो पहनावा हो सकता है, खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, संगीत आपको देखने को मिल सकता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें, रंग लोक संगीत में जो रंगे हुए होते हैं वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ओके, इसके बाद हमारा आता है दूसरा नंबर, रस एवं सौंदर्य, इकाई 3 यूनिट 3 म्यूजिक सिलेबस का जो यूनिट 3 है, रस एवं सौंदर्य। तो रस, भरत एवं अन्य विद्वानों के अनुसार रस सिद्धांत, देखिए नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस माने हैं,
और वर्तमान समय में विद्वान लोग 8 से भी अधिक रस मानते हैं, 9 या अधिक। तो ये रस आपने पढ़ ही रखे होंगे, हिंदी जब हम पढ़ते हैं हाई स्कूल और 12th क्लास में तो रस पढ़ते हैं, वही उन्हीं रस की बात हो रही है यहाँ पर। रस की निष्पत्ति एवं भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसका उपयोग या प्रयोग, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आयोग लिखा है, प्रयोग होना चाहिए इसका प्रयोग। तो इसका प्रयोग ये होता है कि जब हम कोई भी चीज़ जैसे तबला का वादन करते हैं या गाना गाते हैं तो उसमें जिस भी प्रकार की बंदिश होती है, उसका राग, उसका प्रेजेंटेशन जैसा भी होता है, उससे जो फीलिंग्स वहीं से, क्योंकि वहीं से जो भाव निकलते हैं, तो वहाँ पे वो रस का थोड़ा सा स्वरूप हमको देखने को मिलता है। जैसे कहीं करुणता की बात आए, शोक वाली बात आए, तो वहाँ पर जब जो साहित्य होगा वो तो देखे बोलेगा ही, साहित्य शब्द तो बोलेंगे ही कि ये रस इसका जो है भाव जो है करुण है। इसके अलावा उसमें राग अगर ऐसा लगाया गया है जो जिसमें करुणता झलकती है और करुणता आती है, तो वहाँ पे हमें करुण रस देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से रौद्र टाइप में होते हैं, जैसे वादन वाद्यों का वादन हो रहा है, पखावज बज रही है, मृदंग बज रही है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा जोशीला मिजाज देखने को मिलेगा, या नगाड़े बज रहे हैं तो यहाँ पर रौद्र रस टाइप में मिलेगा। जब युद्ध होते थे तो युद्धों में जोश पैदा करने के लिए ढांडी जो बोलते थे उसमें नगाड़े बजाए जाते थे, तो उसमें वहाँ से हमको रौद्र रस की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप जब आप पढ़ेंगे हमारे जो म्यूजिक की बुक्स हैं उनमें आप जब देखेंगे तो आपको विस्तार से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है भाव और रस। तो जब भाव होता है तो उसमें भाव और रस दोनों एक ही दूसरे से कनेक्टेड है। भाव तब आता है जब हमें साहित्य की जानकारी हो और उसमें और किस राग में उसको गाया जा रहा है, ताल की जानकारी हो, फिर हमारा अभ्यास, उसके बाद हमारा फिर हमें उसकी जब जानकारी होती तो हम उसमें भाव अपने व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप भजन ही ले लीजिए या कोई भी बंदिश ले लीजिए, तो उसमें बंदिश के बोल ही आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा भाव आपको देखने को मिल रहा है, या भक्ति भक्ति रस है, या करुण रस है, या कोई और रस है, या जो गीत का जो साहित्य होता है वो हमें दर्शाता है कि ये इस भाव का, इस भाव में इसमें प्रकट हो रहे हैं। तो उसी के हिसाब से फिर उसके हिसाब से हमारे यहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत प्रकार के राग हैं, तो उन रागों में से कोई एक राग में जैसे उसको धुन को उस गीत को बांधा जाता है। जैसे बहुत खुशी का माहौल है तो आप देखेंगे कि जैसे दरबारी इसके लिए बहुत सूट करता है, या मतलब नॉर्मल है सामान्य सा है तो यमन हो गया, करुण रस है तो शिवरंजनी, आपने बहुत सुना होगा शिवरंजनी राग जो कि फिल्म इंडस्ट्री में भी चलता है, फिल्मों में चलता है और कर्नाटक संगीत का राग है। इस प्रकार से भाव जब दिखता है तो वो उसमें दोनों से ही संबंधित, तो उसमें रस आपको छलकता है। स्वर लय ताल छंद और शब्द रचना से रस का संबंध, जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया कि जैसे कि छंद जो गीत होता है उसमें शब्दों से मिल करके छोटे छोटे शब्दों से मिल करके एक पूरा गीत की रचना होती है, उसमें छंद होते हैं। और छंद जो हिंदी में भी पढ़ते हैं और हम लोग जो म्यूजिक से जो MA करते हैं या तो उसमें भी छंद हमको पढ़ने को मिलता है, जिससे कि हमें साहित्य का ज्ञान हो। और छंद पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि उसमें हमें मात्राएं दिख जाती हैं, कितनी मात्रा का छंद है, 14 मात्रा का छंद है, 8 मात्रा का है, 16 मात्रा का छंद है, 7 मात्रा का है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताएं, जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, इसमें ऑलरेडी फिक्स हैं 7 मात्राएँ, इसमें फिक्स हैं, आप इसको खींचतानी नहीं कर सकते, ये 7 मात्राएँ फिक्स हैं। आप इसको धुन बांध सकते हैं बट इसमें ताल तो पहले से ही फिक्स है। वहीं आप रामचरितमानस की चौपाई देखेंगे तो जैसे मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवा सदासत, अदर बिहारी, इसको आप 16 मात्रा में भी, 3 ताल में भी गा सकते हैं, 8 मात्रा में भी आ जाएगा, और आपका दीप जो दीपचंदी ताल होती है उसमें भी आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे छंद की इम्पोर्टेंस यहाँ पे देखने को हमको मिलती है, ओके। तो इसके बाद आता है आपका भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिक के अनुसार सौंदर्य। तो
सौंदर्य शास्त्र के बारे में आप पढ़ेंगे, भारतीय के बारे में तो बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने सौंदर्य शास्त्र के बारे में बताया है। अब आपको क्या करना है कि जो जिन बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, संगीत मैनुअल हो गई, अरियंदगी नेट की हो गई, या जिस बुक में भी ये सौंदर्य वाला आपको टॉपिक मिले वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है वात्स्यायन द्वारा निर्दिष्ट 64 कलाओं का सामान्य ज्ञान। तो 64 आपको बता दें, वात्स्यायन जी ने अपने ग्रंथ में, अपना उनका जो ग्रंथ है कामसूत्र, तो उसमें उन्होंने 64 कलाओं का वर्णन किया है, ठीक है। वो आपको संगीत मैनुअल में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कामसूत्र ग्रंथ का, वात्स्यायन जी इसके राइटर हैं, और इसके इसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें 64 कलाएं मानी है, उसमें से जो सबसे 8वें नंबर पर आप देख रहे हैं ललित कलाओं का अंतर संबंध, ललित कलाएं इन्हीं 64 आर्ट में से 5 हमारी ललित कलाएं मानी गई हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 7वें नंबर पे है आपका, 7th पॉइंट पे है राग रागनी, ये आपका दिया है यहाँ पर राग रागनी चित्रण एवं राग ध्यान। अब इसमें जैसे तोड़ी राग है तो एक ऐसा ऐसा चित्रण होगा जैसे शांत है, हिरण आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तोड़ी राग को सुन करके हिरण आ जाते थे, और दूसरा कोई राग है जैसे भैरव है तो सुबह का प्रातः काल का समय है, सूर्य उग रहा है और थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये इस राग का ये चित्रण है। जैसे मान लीजिए शाम का समय है, पूरिया या मारवा या पूर्वी राग है, तो वो जो टाइम रहेगा उसमें दिन का एंड होगा और रात की शुरुआत होती है, मतलब नाइट स्टार्ट होगी आपकी, तो दोनों की जो जो मतलब जो जोड़ होता है जिसको हम लोग संधि भी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा संधि प्रकाश रागों का, तो वो संधि प्रकाश का मतलब यही होता है दोनों दिन और रात का, जब दिन का एंड होता है और रात की शुरुआत होती है, नाइट स्टार्ट होती है, तो जब वो उजाला और डार्क और लाइट दोनों मिक्स होता है, वो उजाला होता है, उस टाइम पे आप पूरिया है, मारवा है, इस टाइप के रागों का चित्रण आप देख सकते हैं, उस टाइप का आप सीन आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इमेजिन करके देखिए जरा, तो आपको मिलेगा राग रागनी चित्रण एवं राग ध्यान का सामान्य इतिहास क्या है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे, ये देखिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट, यूनिट 4 शोध प्रवृत्ति, थोड़ा सा बड़ा करें, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो, शोध प्रवृत्ति यूनिट 4 शोध प्रवृत्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अभी तो इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए ये काम करेगा जब आप रिसर्च करने के लिए जाएंगे, क्योंकि तब आपको सिनॉप्सिस बनानी रहेगी, शोध प्रवृत्ति आपको अभी से आप पढ़ लेंगे तो आपको ये तब भी आपको बेनिफिट करेगी, क्योंकि जब आपका अभी आपका इस वाले एग्ज़ाम में सपोज करिए आप इस वाले एग्ज़ाम में जेआरएफ हो जाएंगे, जब आपका जेआरएफ हो जाएगा तो उसके बाद आपको एडमिशन ही लेना होगा, जब एडमिशन लेंगे तो उसके पहले आप टॉपिक सिलेक्ट करेंगे पीएचडी के लिए, तो जब पीएचडी के लिए टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो कैसे क्या क्या करना होता है उसके पहले अगर आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो आपको उसमें आसानी होगी। ओके, तो आता है शोध प्रवृत्ति एवं संशिक्षा, शोध का क्षेत्र इसमें बताया गया है, शोध का क्षेत्र किस किस क्षेत्र में आप कर सकते हैं, शोध का क्षेत्र हम बता दें आपको, ऐतिहासिक शोध होता है और वर्णनात्मक शोध होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसको बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, प्रयोगात्मक रिसर्च होता है, शिक्षा के ऊपर होता है, म्यूजिक संगीत शिक्षा के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, इस प्रकार से और भी है, आप और भी संगीत और समाज को लेकर के रिसर्च कर सकते हैं, संगीत में मनोविज्ञान को लेकर कर सकते हैं, संगीत अध्यात्म को लेकर कर सकते हैं, संगीत चिकित्सा मैंने बता ही दिया आपको, म्यूजिक थेरेपी, इस प्रकार से आप और भी संगीत एवं आर्थिक अर्थशास्त्र को लेकर आप कर सकते हैं, जैसा आपके माइंड में जो आप जो पॉइंट आपके माइंड में आ जाए, जो प्रॉब्लम का जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके माइंड में आ जाए उस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं। पूर्व अध्ययन की समीक्षा, तो पूर्व अध्ययन की समीक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे पहले कुछ आपने पढ़ रखा है या पढ़ना है उसकी उसको डिस्क्राइब करना होता है, समीक्षा उसके बारे में बताना होता है। उपयुक्त शोध शीर्षक, उपयुक्त शोध शीर्षक का मतलब जैसे अभी जो हमने नाम बताया वही शोध शीर्षक होते हैं, शोध शीर्षक का मतलब होता है, इसको बोलते हैं समस्या चयन, समस्या चयन या
जो भी आपका पीएचडी का टॉपिक होता है वही होता है उपयुक्त शोध शीर्षक। तो टॉपिक क्या होता है, टॉपिक का मतलब होता है कि आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए। जैसे आप बहुत से लोगों का मन होता है कि प्रयोगात्मक पक्ष पर रिसर्च करना चाहते हैं, बंदिशों को लेकर करना चाहते हैं, रागों को लेकर करना चाहते हैं, या घरानों को लेकर के करना चाहते हैं, तो आप उसमें क्या दिखाना चाहते हैं वो आपका टॉपिक होगा। जो भी समस्या का सॉल्यूशन आप निकालना चाहते हैं वो आपका टॉपिक हो गया। आप करें किसी भी टॉपिक पर, आप कोई भी टॉपिक ले लें, प्रयोग प्रैक्टिकली ले लें या थ्योरेटिकल ले लें, या किसी आर्टिस्ट के ऊपर भी रिसर्च होती है उनके ऊपर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको परमिशन मिलती है तो। बट आपको लिखना थीसिस ही है, ओके, तो आके आपको लिखना थीसिस ही है। एवं शोध समस्या का चयन, जो अभी हमने आपको बताया शोध समस्या टॉपिक। संगीत में शोध की प्रविधि, तो संगीत में शोध का रिसर्च का मेथड क्या होता है। लगभग तो सभी सब्जेक्ट में लगभग तो मेथड सेम ही रहता है, बस कुछ कुछ सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे हमारा म्यूजिक है तो म्यूजिक का थोड़ा सा मेथड अलग हो जाएगा, बाकी शोध प्रविधि ज़्यादातर ठीक ही रहती है। तो ये शोध प्रवृत्ति आप पढ़ सकते हैं, आप शोध प्रवृत्ति आप जैसे पढ़ ही रहे होंगे, फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे और संगीत मैनुअल में पढ़ेंगे, आर्यन नेट की जो बुक है संगीत की उसमें आप पढ़ेंगे। शोध संक्षिप्तिका तैयार करना, शोध संक्षिप्तिका का मतलब होता है सिनॉप्सिस, जो आप प्रपोजल बनाएंगे, जो आप उसके में उसके लिए एक 10 पेज का आपको टॉपिक के ऊपर एक प्रपोजल बनाया जाता है, जिसमें आप कुछ पॉइंट के हिसाब से आप उसको बनाते हैं एक, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिनॉप्सिस। आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट करें और पूछें कि हम आप इसमें से क्या और जानना चाहते हैं। तो ये सिनॉप्सिस हो गया तैयार करना। सामग्री संकलन, जो डाटा कलेक्शन होगा हो जाएगा आपका, इसके सूत्र मतलब जो फॉर्मूला होते हैं क्या होते हैं। सामग्री संकलन का विश्लेषण, जब आप डाटा कलेक्शन कर लेंगे तो उसको एनालिसिस करना होता है। शोध परियोजना की रिपोर्ट लिखना, शोध परियोजना जो भी आपका रिसर्च रहेगा उसके ऊपर आपको एक समरी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, क्या क्या उसमें वर्क हुआ है वो आपको बताना होता है। शोध परियोजना का अनुक्रमण, अनुक्रमण होता है अध्ययन उसका अनुक्रमण, आप जैसे उसके बाद डीप स्टडी होती है, ओके। और संदर्भ ग्रंथ सूची एवं संदर्भ सूची एवं ग्रंथ सूची इत्यादि। तो संदर्भ सूची का मतलब एवं ग्रंथ सूची का मतलब ये होता है कि जिन जहाँ जहाँ से भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, इंटरनेट से किया है या ग्रंथों से किया है या पांडुलिपियों से किया है या आपने पत्रिकाओं से किया है, पेपर से किया है, आपने किसी की बुक से मैटर मिला है आपको, तो जहाँ से भी आपको डाटा मिलता है उन सब का एक लिस्ट दी जाती है लास्ट में, थीसिस के लास्ट में, उसको संदर्भ ग्रंथ सूची बोलते हैं। तो संदर्भ ग्रंथ सूची आपको बहुत सारी बुक्स में आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप अगर नेट संगीत देखें, डॉक्टर हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर तेज सिंह टाग जी, तो उनकी जो नेट संगीत है उसमें आप देखें तो आपको वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, पीछे दिया हुआ है संगीत जिज्ञास एवं समाधान में और नेट संगीत में, या और भी बुक्स देखें आप, बुक्स की ग्रंथ संदर्भ ग्रंथ सूची लिखा होता है उसमें दिया होता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। ओके, तो इसके बाद आता है आपका संदर्भ ग्रंथ सूची के बाद आता है शोध की दिशाएं एवं इसके अंतर संबंध पहलू, शोध के क्षेत्र, शोध की दिशाएं, तो शोध के क्षेत्र और दिशाएं थोड़ा सा सिमिलर ही है, देखिए आ ही गया यहाँ पर। संगीत और साहित्य, अभी हमने आपको बताया संगीत चिकित्सा दिया है, देखो उसमें दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान, संगीत बौद्ध विज्ञान एवं संगीत से हो सकता है, संगीत एवं गणित, इसके ऊपर हमारे गुरु जी ने एक बुक लिखी है संगीत विज्ञान एवं गणित, तो इसमें पूरा का पूरा आप लोग को गणित के मतलब मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन टाइप में होती है, म्यूजिक और उसका बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन गुरु जी ने बताया है, तो आप देख सकते हैं। संगीत अर्थशास्त्र अभी हमने बताया था, संगीत और सामाजिक विज्ञान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कलाकार होगा, आप कोई भी दुनिया का कोई भी काम कर लीजिए, वो करते हम सोसाइटी के लिए ही हैं। अगर एडिसन ने बल्ब की खोज की तो हमारे समाज के लिए, जिसका लोग यूज कर रहे हैं। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया तो वो सोसाइटी के लिए कोई मिसाल बना रहा है। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने मिसालें बनाई तो हमारी समाज की रक्षा के लिए।
काम आप चाहे जो करें वो आएगा घूम फिर के हमारी सोसाइटी के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सोसाइटी समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार का संगीत सुना जा रहा है, किस प्रकार के संगीत की आवश्यकता है, या समाज के समाज में जो लोग संगीत में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो उसको कैसे आप इंटरेस्ट उसमें क्रिएट कर सकते हैं उनमें, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धर्म और संस्कृति, देखिए संगीत अध्यात्म की चीज़ तो है ही, आपको पता ही है, क्योंकि संगीत से धर्म अर्थ और धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो संगीत ये हमारा सारी चीज़ें प्राप्त हम इससे हमको होती हैं, एवं संस्कृति जो हमारा कल्चर है, अभी हमने लोक संगीत के बारे में बात की थी, तो वही हमारी संस्कृति है। और संगीत का क्या इसमें रोल है, संगीत से कितना, क्योंकि हमारा पूरे विश्व में सबसे नंबर वन पे हमारा म्यूजिक आता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत, जिसमें अनेकों समय के राग हैं, ऐसे ऐसे राग दिए हैं कि जिससे पशु पक्षी भी बस में हो जाते हैं। जैसे राग तोड़े के बारे में सुना होगा कि हिरण भी सुन के आ जाते हैं अगर ठीक से गाया जाए, पानी बरसना, बादलों का गरजना, आपने सुना होगा अगर तानसेन जी जब गाते थे तो बादल गरजते थे बरसते थे, तो ये सब इसमें दिया है। इसके बाद आप इसमें एक चीज़ और ऐड की गई है, आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या हो सकते हैं आपके म्यूजिक में, इलेक्ट्रॉनिक तबला हो गया, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देख लीजिए यहाँ पर तबला हो गया, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा हो गया, स्वर पेटी हो गई, और आपका और भी बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर तो आप जा ही रहे हैं, इंटरनेट इत्यादि, और इसके अलावा टेप रिकॉर्डर है, साउंड रिकॉर्डर है, डिजिटल जितनी भी टेक्निकली चीज़ों का या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करके रखना है। जैसे रिदम के लिए ऑक्टोपैड हो गया, ऑर्गन हो गया, सिंथेसाइजर जो हो गया, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटों का आविष्कार हो रहा है और आ रहे हैं, तो वो आपको उसके बारे में पढ़ना है। और इसके बाद दिया है लास्ट में स्वतंत्रोत्तर काल, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद क्या क्या चेंजेस आए काल में भारतीय संगीत में, नई प्रवृत्तियाँ। तो इसमें जो नई प्रवृत्तियाँ आई क्या क्या हुई हैं कि देश जब हमारा जब इंडिपेंड हो गया, आज़ाद हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम इसमें किया है, सपोर्ट किया है म्यूज़िक को और कलाकारों को, बहुत सारी स्कॉलरशिप चालू की हैं, जैसे कि सबसे पहले तो UGC ने ही एजुकेशन के फील्ड में ही आप देख लीजिए उच्च शिक्षा में हमारा संगीत को एक विषय का दर्जा प्राप्त हुआ है, और UGC लिस्ट में जिसके जैसे कि आप लोग ही नेट और JRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं, PhD की तैयारी कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, तो इसमें एक तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए। इसके बाद संगीत में, संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार जो अवार्ड है वो देना स्टार्ट हुआ है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, और जो टॉप लेवल का जो अवार्ड होता है भारत रत्न वो स्टार्ट हुआ है। राज्य में एवं केंद्र में संगीत नाटक अकेडमी, जिसको आप SNA बोलते हैं, प्रत्येक स्टेट में संगीत नाटक अकेडमियों का स्थापना की गई। राज्य और केंद्र सरकार में तो दिल्ली में जो संगीत नाटक अकेडमी वो तो है ही, आप जान ही रहे हैं। इसके बाद आपका और भी अन्य कुछ बहुत सारी संस्थाओं ने काम किया इसमें, और इस प्रकार से संगीत में निरंतर प्रयोग होते चले आ रहे हैं और ये हमारा ग्रो कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया और ये आधा घंटे से भी ऊपर वीडियो हो गया है आपका, और आप ये मैंने यहाँ तक ये फिनिश हो गया, उसके बाद अब स्टार्ट होगा आपका हिंदुस्तानी संगीत, इसको मैं दूसरे अगले वीडियो में कवर करूँगा। इसमें आपका यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 तक हमने कवर किया इसमें, और आप इसमें देख सकते हैं कि कितना कवर हो गया इसमें। और फिर से आपसे कहना है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिससे कि कोई भी PDF आप चाहते हैं तो आपको मिल सके। और अगेन वेलकम टू RS म्यूजिक इंडिया, ये चैनल आपके लिए ही है और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इस चैनल को ये और भी आगे इसमें ये ग्रो करेगा चैनल, और काफ़ी म्यूज़िक में जो बहुत सारे लोगों को जो दूर रहते हैं या हेल्प नहीं हो पाती तो उनको हेल्प होगी।
थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय, सी यू।